इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेजा जा रहा है। लास्ट जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने पॉटरी के पिन स्टार्ट किया था, यानी कि मधुमक्खी पालन पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। तो उसमें जो टॉपिक हमने लास्ट छोड़ा था वो टॉपिक था हमारा रिप्रोडक्शन इन पॉटरी कीपिंग, है ना। तो जो रिप्रोडक्शन है, जनन, इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो दोनों कैटेगरीज आप ले रहे हैं, दोनों कैटेगरीज से मेरा मतलब है जो मेल और जो फीमेल कैटेगरी आपने ली है, वो मेल और फीमेल कैटेगरी कैसे होनी चाहिए, एकदम हम कह सकते हैं जिनका इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा हो, फर्स्ट सेकेंडरी देखने में भी कैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्दी से मेरा मतलब ये नहीं है कि ओवर फैटेड होने चाहिए, बहुत ज़्यादा जिन्होंने खाना खा रखा हो उस टाइप के एनिमल होने चाहिए। हेल्दी से मेरा मतलब है कि उनकी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर मीट का जो लेवल है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा ये हो जाएगा कि जो मेल है और फीमेल, मेल और फीमेल कौन, मेल कौन क्या बोल रहे थे, फॉक, और फीमेल कौन क्या बोल रही है। तो ये दोनों ही टाइप के जो मेल और फीमेल है, फर्स्ट तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि कैसे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, हेल्दी के अलावा इनके अंदर जो इम्यूनिटी लेवल है वो इम्यूनिटी लेवल भी ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो अगर इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा होगा तो इनके शरीर के अंदर जब भी कभी कोई पैथोजन, जो है पैथोजन से मेरा मतलब है कोई अपन कह सकते हैं कोई प्रोटोजोआ है, कोई वायरस है या बैक्टीरिया है, जब भी कभी कोई भी इस तरीके का एंटर करेगा, तो अगर इनका इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा है तो बॉडी के अंदर एंटर करते ही उसको क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, जिसकी वजह से इनमें बीमारी नहीं होगी। और जब इनमें बीमारी नहीं होगी, पेरेंट्स हेल्दी होंगे, तो जो एग इनसे निकलने वाले हैं, एग जो रिलीज होने वाले हैं, वो एग भी कैसे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है। ये बात हो गई फर्स्ट, जो फर्स्ट थिंग हमें ध्यान रखनी है। सेकेंड, आप सभी मेरे हिसाब से थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी को एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंपैरिजन में बेटर माना जाता है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ड्यूरेशन वेरिएशंस आती हैं, विभिन्नताएँ आती हैं, और जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें वेरिएशंस नहीं आती हैं। तो यहाँ पर भी इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि सेम कैटेगरी के, कैटेगरी से मेरा मतलब है कि अगर एक ही प्रजाति के नर और मादा, यानी कि मेल और फीमेल हम लेते हैं, तो उसमें उतनी क्वालिटी नहीं होती है। उतनी क्वालिटी से मेरा मतलब है कि जब उनके बीच में रिप्रोडक्शन होता है तो जो नई प्रजाति आ रही है वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, और अगर वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है तो फिर रिप्रोडक्शन का जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है ना। तो इसके लिए जो मेल और फीमेल लिए जाते हैं वो ऐसे लिए जाते हैं जिनकी दोनों की ही मैं कह सकती हूँ कि क्लासेस जो हैं, प्रजातियाँ जो हैं, वो अलग अलग टाइप की होनी चाहिए, है ना। तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि मेल क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मीनिंग समझते हैं पर निषेचन, यानी कि सेम स्पीशीज आपस में फर्टिलाइज नहीं कर रही है, यहाँ पर अलग अलग जो स्पीशीज हैं उनका फर्टिलाइजेशन होना इम्पॉर्टेंट है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज बेस्ट, ठीक है। इनके बीच में अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये एक बेस्ट तरीका हो जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए हमें ध्यान में रखनी है ना, तो रिप्रोडक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का जो टॉपिक हो जाएगा वो ये हो जाता है कि अगर एक साल का मुर्गा है और दो साल की मुर्गी है तो उनके बीच में आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि एजिंग रिफ्लेक्शंस जो हैं वो फिर बाद में जो चिक है, चिक मतलब समझ रहे हो ना, चिक के अंदर दिखाई देने लगते हैं।
ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे तो फिर बेकार हो गया सारा काम। इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना इस बात का कि एक साल का मुर्गा और 2 साल की मुर्गी, ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इनके बीच में कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि और क्या क्या हो सकता है, तो हमेशा इस टाइप की मुर्गी का मैं कह सकती हूँ कि चयन किया जाता है, इस टाइप की मुर्गी को लिया जाता है जिस मुर्गी के अंदर अंडे देने की कैपेसिटी ज़्यादा। अब आप लोग कहोगे कि इस बात का पता कैसे लगाया जाएगा फर्टिलाइजेशन से पहले कि ये अंडे ज़्यादा देगी या कम देगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की तो हम अभी बात ही कर रहे हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले हम इस चीज़ का पता कैसे लगाएंगे कि जो एग है उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होने वाला है या कम होने वाला है। तो इसका भी एक तरीका होता है, एक टर्म आप लोगों ने अभी तक बेसिकली पढ़ी होगी, मोल्टिंग, पढ़िए ना सभी ने। मोल्टिंग को हम हिंदी में कहते हैं निर्मोचन। अब ये जो वर्ड है निर्मोचन, ये मुर्गियों के साइंस में कैसे काम में आएगा? तो मुर्गियाँ जब फर्टिलाइजेशन नहीं कर रही होती हैं उस ड्यूरेशन, जितनी ज़्यादा बार अपने पंखों को रिलीज करती हैं, इसका मतलब ये है कि मुर्गी अंडे उतने ही कम देने वाली है। और जो मुर्गी बहुत लंबे टाइम के बाद में निर्मोचन कर रही है या मोल्टिंग कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो क्या करेगी, ज़्यादा अंडे देने वाली है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मुर्गी बेनिफिशियल रहेगी और कौन सी नहीं। यानी कि जो मेरा कहने का मतलब है कि जो जल्दी निर्मोचन कर रहा है कोई भी मुर्गी है, वो जल्दी जल्दी मोल्टिंग कर रही है, तो इसका मतलब एग प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या है, बहुत ही कम है। लेकिन अगर लंबे टाइम के बाद में मोल्टिंग कर रही है तो इसका मतलब है एग प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, और जिसकी भी अंदर एग कैपेबिलिटी ज़्यादा है वो मुर्गी बेस्ट है। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मुर्गी हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसके बाद बात करती हूँ कि और कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, है ना, तो और कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए बताओ। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि दोनों के अंदर जो इम्यूनिटी लेवल है वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर दोनों के अंदर इम्यूनिटी लेवल कम होगा तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लो मुर्गी ने चिक को डेवलप किया, उस चिक को डेवलप करने के तुरंत बाद ही अगर उसमें कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी का तो आइडेंटिफिकेशन भी मुश्किल है, जब तक कि उसका पूरा, उस चिक का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जैसे कि आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि 94 आवर्स के अंदर, 94 घंटे के अंदर कह सकते हैं कि एग से चिक का फॉर्मेशन होता है। उस ड्यूरेशन अगर कोई बीमारी हो जाए उसके अंदर, तो और वो बीमारी वाला एग अगर कोई खा ले तो, है ना। तो इसीलिए क्या है कि इनका ध्यान रखा जाता है कि इनके अंदर इम्यूनिटी लेवल जो है, इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान रखना चाहिए, क्या कि जो मुर्गियाँ होती हैं वो मुर्गियाँ, आप लोगों को सभी को पता है कि अगर पॉटरी कीपिंग को छोड़ दिया जाए जहाँ पर आप खुद कल्चर करा रहे हैं तो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल है वहाँ पर, तो लेकिन जहाँ पर नेचुरली एग से चिक का फॉर्मेशन होना होता है वहाँ पर आप लोग जानते हैं कि चिक जो एग है उसके ऊपर मुर्गी आकर के बैठती है और उसे सेक करती है, और उसे सेक करने के बाद भी उसे अपना बॉडी टेम्परेचर देती है, जिस बॉडी टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर चिक का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखनी है कि ऐसी मुर्गी होनी चाहिए जो सेक के ड्यूरेशन ज़्यादा टाइम ना ले, यानी कि जो सेक का फॉर्मेशन हो रहा है या सेक का प्रोसेस हो रहा है
उस प्रोसेस की ड्यूरेशन ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए उसने। अगर उसने ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया है तो फिर दिक्कत की बात है, ये भी पॉटरी कीपिंग के लिए तो ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं और आपसे बात करती हूँ तो एक और चीज़ ध्यान में रखी जाती है, बेसिकली जो मुर्गियाँ होती हैं वो एक दिन में एक ही अंडा देती हैं, लेकिन पॉटरी कीपिंग के ड्यूरेशन जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं ये मुर्गियाँ एक दिन में चार अंडे देती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रिप्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक मुर्गे का चार से ज़्यादा मुर्गियों के साथ में फर्टिलाइजेशन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद में क्वालिटी जो है वो रिड्यूस होती जाती है, और जब क्वालिटी रिड्यूस हो रही है तो फिर पॉटरी कीपिंग का मीनिंग ही खत्म हो रहा है। हमें क्वालिटी भी तो बेस्ट चाहिए भाई, जब सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग ही हो रही है, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही सब कुछ हो रहा है, तो उसके लिए ये भी तो ज़रूरी है कि जो रिजल्ट्स हैं वो बेस्ट निकल करके आने चाहिए, नहीं तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो एक मुर्गा है उसका चार मुर्गियों से ज़्यादा के साथ में रिप्रोडक्शन